अबे क्या हो रहा चार्ली बावले? किसे बोला चार्ली बावला? हमारा नाम है इलियास चरिया। वही बोलो, नाम नहीं बिगाड़ना। अबे ये क्या हो रहा है? कमीज बेच रही हूँ तो नाच के ऐसे ही बिक रही है। कौन आदमी है जो नाच के नहीं बेच रहा? टेलीविजन देख लो, वो सितारा सपना लोन नियत बांध के बेच रहा। वो जो सपना लोन बिक रही है वो नहीं देखी है? सितारा है सपना है, सितारा है सपना है। इसी चक्कर में लोग दुकानों पे जाते हैं कि शायद यही लड़कियां बेच रही होंगी कपड़ा। वहां इतनी बड़ी बड़ी मूंछों वाले बैठे, क्या चाहिए? नहीं भाई कुछ नहीं, मुझे टाइम पूछना है। इसीलिए लोग ये कपड़ा खरीद के बीवियों को पहनाते हैं कि शायद ये भी कंबल मारियां ऐसी लगेगी। वो छह छह बच्चों की अम्मा है, सितारा है सपना है। क्या भयानक सपना है भाई, ईमान से। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस इश्तिहार में औरतों की जरूरत नहीं है उसमें आती क्यों है? मसलन वो देख ले, वो एक आदमी शेव कर रहा होता, वो देखा कौन सा इश्तिहार? खर की ऑन से पावर खर आ बड़ी इज नॉट गुड ब्लैक आउ दिस वन ऑल गुड खर 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 माय गॉड आई एम फ्रेश। उसमें भी आयत ये, ओ व्हाट ए शेव। देखा आपने? तो हर इश्तिहार वेस्पा के हैंडल पे बैठी हुई। अरे उठ के कुर्सी पे बैठ, कंबल मारी हैंडल पे क्यों बैठी है? ये है, इस वजह से मैंने बोला। ये क्या कर रहा तू? ये कपड़े क्यों बेच रहा है? कपड़े बेच रहा हूँ। कैसे बेच रहा है ये? ये पहन के क्यों? अरे गरीबों को ये लोग पथारे नहीं लगाने देते, ठेले उठा के ले जाते हैं गरीबों के। गरीबों को नया आइडिया दिया मैंने, क्या गरीबों ये कपड़े पहनो, पहन के घूमो, जिधर देखो दूर दूर कोई नहीं है उतारो, चल दो रुपया, चल दो रुपया, चल। खुद ही शोकेस, खुद ही दुकानदार, खुद ही सेल्समैन, खुद ही गल्ला, न चोरी का खतरा न डाके का डर, अल्लाह 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 अल्लाह। अबे ये तो मेरे कपड़े हैं। इसीलिए तो नाक पे हाथ रख के बेचे। ईमान से जिन्होंने छाटी की अभी तक बेहोश पड़े हैं बेचारे। ये तुझे किसने दिया? बेगम साहिबा ने दिए, कहने लगी बेच दो अब इनके दिन ही कितने रह गए। मुझे इन हरकतों से बेइज्जत करवाएगा? अच्छा ये बेइज्जत होने वाली हरकत है? और नहीं तो क्या? अरे काम करने में कोई शर्म नहीं है, काम करना चाहिए काम, मेहनत में कोई शर्म नहीं। अपन पार्ट टाइम जॉब करते हैं, पार्ट टाइम आप क्या से मिलता है? क्या क्या हम तुझे पैसे नहीं देते क्या? पैसे याद है मेरे को पैसों पे? क्या हुआ? एक मिनट, जवाब तो मैं जेब में लेके फिरता हूँ। ये क्या है? ये क्या? देखिए ये वो चेक है। हाँ? जो इन्होंने ये चेक मुझे 8 महीने की तनख्वाह का दिया। अच्छा? मैं यहाँ गया था, यहाँ तो बैंक ही नहीं है। एक बोर्ड लगा हुआ है, उसपे लिखा है यहाँ बैंक बनेगा। कब बनेगा ये किसी को पता नहीं है, बस बैंक है बनेगा। ऐसे ऐसे चेक छोड़ना ही है? पागल हो गया? इसी ब्रांच का चेक मुझे घर के खर्च के लिए जो देते हैं वो तो कैश हो जाता है। पता करो भाई ये चेक कहाँ पे कैश हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो बैंक नहीं है। ये मालूम करना आपका फर्ज है कि कैश कौन कर रहे हैं। अमर, इससे पहले मैं तुझसे तलाक लूं मुझे बता कहां से कराई ये चेक कैश, क्यों कल कराई ये चेक कैश? अलादीन बाबा कौन? बताओ मुझे। मेरा ख्याल है सरकार इनका कोई रिश्तेदार जो है वो डाकू होगा। डाकुओं की तो कोई ब्रांच ही नहीं है, जिधर गए उधर ही कैश। कैसे, कैसे? किसी भी ब्रांच में चेक दे दे मना नहीं करते, कैश कर देते। हो सकता है ऐसा चक्कर हो। क्यों? अरे चुप, तेरी इन हरकतों की वजह से मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। घर से निकालेंगे मेरे को? देखिए आप क्या
तुम इसे घर से निकालोगे? हाँ? मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। ऐसा कदम मत कीजिएगा बेगम साहिबा, ये उनके घर चले जाएंगे। किनके उनके? सुबेदा अंडे वाली क्या है? अल्लाह कदम उसके घर में टाइम पीस भिजवाया। टाइम पीस? हाँ, जिसमें से एक बजे एक चिड़िया निकलती है, ची ची। बस चिड़िया वहां निकलती है, जुबेदा घर से निकलती है। सेटिंग की भी है इन्होंने। कौन है ये जुबेदा? कौन है? इतनी सी बच्ची है अभी पाल रहे हैं। मैं कहती कौन है ये? इतनी सी बच्ची है। हाँ, इतनी सी और इधर वाली भी मिला लो, पूरी हो जाएगी जुबेदा। क्या चक्कर है? चक्कर कुछ भी नहीं है, इनकी वजह से मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। क्योंकि बहुत बेइज्जत करवा रहे हैं। अब ये ईद का ज़कात फितरा निकला ना? हाँ हाँ। तो ज़कात फितरा ईद का निकला और इन्होंने मुझे दे दिया। ये तो अच्छी बात है। और आगे सुनो जो बुरी बात। क्या? कहने लगे तू फितरा ज़कात रख, तू ईद की नमाज पढ़ने आएगा मस्जिद में, तुम्हें रास्ते में फटे पुराने कपड़े पहन के बैठ जाऊंगा, तू मेरे को वापस दे दियो। इस तरह फितरा भी अदा हो जाएगा और वापस भी आ जाएगा। और तूने ने फितरा दे दिया? मैं तो पागल हूँ, मैं तो मस्जिद ही नहीं गया। मैं तो रिवाली में ईमान से फितरों के पैसे से अंजुमन को इज्जत चाहिए। नौकरों के सामने ऐसी हरकतें करते हुए अपनी ना बताइए। मेरी क्या बात है? वो बता दे। आपने जो कराया वो रमजान के अंदर ऐलान मोहल्ले में, आपने नहीं मुझसे कहा था मोहल्ले में कही आओ कि जो जो खजूर खाएं गुठलियां ना फेंकें, इनके चैलेंज के लिए जमा कर रही हूँ। सत्यानाथ जब पागल हो गया तू, ये झूठ कहता है। सही कहता है। तुम मंदिर चलो, चल के सर में जुआ का तेल डलवाओ, नहीं तो तुम्हें गंजा कर दूंगी। तुम गंजी हो जाएंगे आप। ईमान से मुंह से अच्छा सर निकलेगा। तुम चलो अंदर। जब चलो तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आ जाना। लाडले खामी ने आप। बहुत प्यार करती है भाई, इतना प्यार करने वाली तो मैंने खातून ही नहीं देखी। कल ही चार जोड़ी कपड़े आपके मंगा के रखे हैं कि मरने के बाद लट्ठा महंगा हो गया तो क्या होगा। क्या बदतमीजी है। हमस चा पींगे? हाँ। बनाएंगे तो बोलो। सरकार एक बात बताइए। हाँ। ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी की बता, खाना खाएंगे? हाँ। लंगर लूट के लाएंगे तो खिलाएंगे? अरे क्या बदतमीजी है, मैं क्यों हंस रहा है? भाई दिल कर रहे हैं आप पे हंसने, पूरा मोहल्ला हंसता, उनको तो कुछ नहीं कहते आप। मैं बगैर तनख्वाह के काम कर रहा हूँ ऐसे ही करूंगा। अच्छा सुन, वो नहीं है मेरा भाई जबलपुरी है, जबलपुरी मेरा भाई। हाँ। उससे इंतकाम लेना है, तुझे तरकीब सोचने के लिए कहा था, क्या हुआ? ओ इंतकाम? हाँ। भाई भाई से इंतकाम लेगा? हाँ। आप लोगों को डूब के मरना चाहिए। क्यों? छोटी सी दौलत के लिए आप लोग एक दूसरे को मार रहे। अरे भाई भाई को मार रहा है, इस चक्कर में खुदा की कसम ये दौलत सब यहीं रह जाएगी, सिर्फ आपके आमाल आपके साथ जाएंगे। और ये बता दूं आपको मैं, दोजख में आग नहीं होती, हर आदमी अपने हिस्से की आग अपने आमाल नामे पे रख के लेकर जाता है। अभी भी वक्त है, भाई से जायदाद का झगड़ा खत्म कीजिए, मोहब्बत पैदा कीजिए। नहीं करूंगा। मेरा फर्ज था समझाना, अब मैं गंद करूंगा। आइए अब सोचिए क्या कहना, आप बताइए। मुझे तरकीब बता, मैं उसे इंतकाम लूं। वो भी बताऊंगा। देखो भैया, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, पहले नेकी का रास्ता दिखाया, अब बदी का दिखाऊंगा। आप माने नहीं, वो आपकी मर्जी, मुझे सवाब मिल गया, अब आपको फंसवा रहे हो। हाँ बाबा, देखिए आप चाहते हैं आपके अपने भाई से बदला लेना। हाँ ठीक, वो भी चाहते हैं आपसे बदला लेना। हाँ। मैं तरकीब ऐसी बता रहा हूँ कि आप पागल हो जाएंगे तरकीब सुन के, इंशाल्लाह आप देखिएगा। पागल हो जाएंगे आप। मैं पागल हो जाऊंगा? नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसी प्यारी तरकीब। तरकीब क्या है कि आपको जरा सी कुछ थोड़ी सी अदाकारी करनी पड़ेगी। करूंगा। करेंगे? जो कहेगा करूंगा। करेंगे? हाँ। मुर्गा बन जाए अभी ले। सौ सुनार की और एक लोहार की होती है सेठ साहब, लेबर के हाथ में जब सेठ फंसता है तो फिर ऐसा ही होता है भाई। इधर आइए, तरकीब सुनिए, डरिए मत। तरकीब क्या है? हाँ। तरकीब ये है कि मैं आपको एक ऐसी बीमारी में मुब्तला करूंगा कि उस बीमारी की वजह से आपका भाई आपसे इंतकाम लेना चाहेगा और अपने आप को खुद मारेगा। कैसी बीमारी? वाह कैसी बीमारी? बीमारी बता। बीमारी सुनिए, बीमारी है खैरिया। खैरिया? मुस्तकिल जहन्नुमा। मुस्तकिल जहन्नुमा, दोज़ख उलासार, फिसाद खून खारिश, इब्तिदाई कैंसर। अगर मुझसे किसी ने पूछ लिया तो मैं क्या बताऊंगा? आप कहिएगा सऊदी अरब की बीमारी हमारी समझ में नहीं आ रही।
مستقل خارج الفساد الخون قیام الدوزخ ابتدائی کینسر یاد کر لیجئے یہ آپ کا مقام بھی اور پتا بھی ہے ٹھیک ہے اب اس بیماری کے اندر ہوتا کیا ذرا یہ سنیے اس بیماری کے اندر آپ کو کرنا کیا ہے میں ان کو بتاؤں گا کہ آپ کی بیماری یہ ہے کہ آپ کی جو جسم کی جلد ہے مطلب کھال جو ہے وہ اتنی حساس ہو چکی ہے کہ اگر کوئی اپنے مارے تو آپ کو تکلیف ہوگی اپنے کٹ مارے آپ کو تکلیف ہوگی اپنے کو چپ تھپڑ مارے آپ کو دکھ ہوگا یہ آپ نے ثابت کرنا ہے اور جب آپ کے بھائی کو پتا چلے گا کہ آپ جو ہے اس بیماری میں ہے تو وہ سارا دن اپنے آپ کو مارے گا خدا کی قسم کیا بیماری ہے قسم ایمان سے باولے مزہ آ گیا نام نے بگاڑی چریا نام باولا کہیں گے پھر وہ والدین کو تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے ریلسل ریلسل کر رہا تھا میں آئیے اب دیکھیے آپ میں ہوں میں آپ ہوں آپ میں آپ ہوں مطلب آپ اپنے آپ کو ماریے میں بتاؤں گا کیسے آپ کو تکلیف کا اظہار کرنا ہے چلے شروع ہو نہ ماریے شیر صاحب پلیز نہ ماریے خدا کا واسطے تھپڑ مت ماریے میرے جلد میں تکلیف ہوتی ہے لیلا مت ماری یار زور سے مارو یہ کیا کر رہا ہے تھپڑ ذرا ٹکا کے ماری ہے دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تھپڑ تھپڑ جب تک ٹک کے نہیں لگے گا آپ کو پتہ نہیں پڑے گا ابے تو نوکر ہے میں نوکر ہوں میں غلام ہوں میں نے آپ کو کوئی ایسی بات تو نہیں کی تھپڑ اپنی جگہ پہ تھپڑ جب تک صحیح نہیں ہوگا بات صحیح نہیں بیٹھے گی آپ میرے بزرگ ہیں آپ کے پیروں کو ہاتھ تھپڑ اپنی جگہ پہ کیونکہ ریلسل کا مین مطلب ہے تھپڑ جب تک تھپڑ نہیں پڑے گا آپ میرے بزرگ میرے بڑے بوڑھے تھپڑ اپنی جگہ پہ کیونکہ آپ میرے بڑے ہیں بزرگ ہیں آپ کے پیروں کو ہاتھ میں مزدور ہوں گناہ گار ہوں تھپڑ اپنی جگہ پر ہے کیونکہ میں آپ کو سرکار نوکری مل جائے گی وہ سر آپ کو برا مان گئے ابھی یہ کیسی ریہرسل ہے میں ہی پھنس رہا ہوں بیماری بھی تو آپ کو ہے تو تکلیف بھی تو تھوڑی آپ کو اٹھانی پڑے گی کہ نہیں ویری گڈ گڈ سمجھ میں آ گیا میرے آ گیا نا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیے میں آپ کو ریہرسل کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو مار رہا ہوں آپ تکلیف کا اظہار کریں ٹھیک ہے آئے 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 بس آپ کا پتہ چل گیا